आइए आइए, नमस्ते 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 भाभी जी। भाई श्रीमती जी से कहा था कि अगर फिल्म हिट हो जाए तो सोने के गहने खरीद कर दूंगा। अब एक के बाद एक सब हिट, तब तो बहुत सारे सेट्स लेने होंगे भाभी जी। देखिए एक गहना कितना चमक रहा है। हाँ, but all that glitters is not gold। अरे यहाँ सब खारा सोना है, हॉलमार्क क्या हुआ है। अरे सब लोग यही कहते हैं कि हम हॉलमार्क किया हुआ शुद्ध सोना बेचते हैं, पर आप ही बताइए हर हॉलमार्क सेंटर पर क्या यकीन किया जा सकता है। हमारे गहने प्रिंस एंड नकोडा हॉलमार्किंग ग्रुप से हॉलमार्क करवाए हुए हैं, जो है इंडिया का लार्जेस्ट हॉलमार्किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। देखिए भाभी जी, आप देखिए यहाँ पे। हाँ, है ना। हाँ, हाँ, ये देखो ये क्या हुआ है। हाँ बिल्कुल सही। ये रिसीविंग एंड डिलीवरी सेक्शन में सबसे पहले ज्वेलर अपनी ज्वेलरी देता है, जिसको कि तोल के, गिन के, देख के एक्सेप्ट किया जाता है। उसको रिसिप्ट दी जाती है और जॉब कार्ड भर के इसको अंदर दे दिया जाता है। हॉल मार्किंग सेंटर में जहां एक एक पीस की एक सारिफ होती है, चेक करने के लिए कि उसके अंदर कितनी प्योरिटी है और उसके अंदर कोई इरिडियम, रुथेनियम और कैडमियम वगैरह तो नहीं है। उसके बाद उस लॉट में से कोई 300-350 मिलीग्राम सैंपल लिया जाता है, जिसको कि मेल्टिंग फर्नेस में मेल्ट कर लेते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। और वो मेल्टेड पदार्थ को वो पहले फ्लैट करते हैं, उसके बाद उसकी छोटी सी पत्ती निकाल के उसे दो हिस्से में काट लिया जाता है, फिर उसे तोला जाता है। दो हिस्सों में तोल के छोटे छोटे लेट फॉइल के अंदर चांदी जितनी डालनी है डाल के उसको क्यूपलेशन फर्नेस में डालकर क्यूपलेशन की जाती है, ताकि उसके अंदर सारे बेस मेटल निकल जाए, केवल चांदी और सोना रह जाए। ये जो चांदी और सोने की छोटी छोटी बॉल्स है, इनको फ्लैट करके, इनकी एनेलिंग करके, फिर इनकी स्ट्रिप्स निकाली जाती है। वो पत्तियां निकाल कर देख लेते हैं कि ये पत्ती यूनिफॉर्म साइज की, थिकनेस की है या नहीं, और इनको फिर से एनेलिंग की जाती है। एनेलिंग के बाद इनकी नंबरिंग की जाती है, ताकि ये प्रोसेस में ये आपस में मिल ना जाए। और फिर इनके छोटे छोटे रोल बनाकर इनको नाइट्रिक एसिड में डालकर चांदी को निकाल लिया जाता है। उसके बाद इनको वॉश करके फिर से इसको एनेलिंग करते हैं, और कूलिंग करने के बाद इसको तोड़ लेते हैं। जो पास होते हैं उनकी हॉलमार्किंग की जाती है, और जो लॉट फेल होते हैं उनकी नहीं की जाती। हॉलमार्किंग में चार निशान लगाए जाते हैं, BIS का लोगो, प्यूरिटी हॉलमार्किंग सेंटर का लोगो, ज्वेलर्स का लोगो, और ये केवल तीन प्यूरिटीज के हॉलमार्क की जाती है, 9167505। उसके बाद ये माल जिस कस्टमर का होता है उन्हें इनवॉइस के साथ रिटर्न कर दी जाती है। India's largest hallmarking group of companies introduces jewelry certification card. Purity is our surety. Prince and Nakoda Hallmarking Center.